बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि ये डायलॉग किसका है और इसका इशारा किसकी तरफ। लेकिन इससे पहले कि नफरत गर्द शाहरुख के इस अल्टीमेटम को पचा पाते, किंग खान ने एक और कमाल कर दिया है, और वो ये कि पठान नफरतियों को पटकनी देने के बाद अब एसआरके ने जवान के रूप में 2024 को लेकर अपनी जुबान खोल दी है और बवाल ऐसा मचाया है कि कल से ही विस्फोटक बारूदों की नींद उड़ी हुई है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुलीरम। शाहरुख खान ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आखिर उन्हें बादशाह कहा क्यों जाता है, क्यों उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि देश से लेकर विदेश तक लोग शाहरुख को सिर्फ जानते नहीं बल्कि उनके नाम का डंका बजते देखते हैं। एक ऐसे दौर में जब एक टीचर ने ऑनलाइन क्लास में पढ़े लिखों को वोट देने की बात कही तो उसकी नौकरी छीन ली गई, ऐसे समय में शाहरुख एक पूरी फिल्म लेकर आए हैं जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट दो तो सही सवाल करो, कोई वोट मांगने आए तो शिक्षा स्वास्थ्य विकास की बात करो, टटोलो उसे, पूछो उसे कि आखिर अगले 5 साल वो ऐसा क्या करने वाला है तुम्हारे लिए जिसके कारण तुम उसे वोट दो। मूलभूत सवालों से लैस जवान फिल्म के 19 सेकंड के एक क्लिप ने ऑनलाइन तबाही मचाई हुई है। शाहरुख इस क्लिप में जवान के कैरेक्टर में लोगों से कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जब तुमसे नेता वोट मांगने आए तो पूछो कि वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा, अगले 5 साल देश को लेकर उसकी सोच क्या है, विकास कैसे होगा। अब भले ये एक फिल्म का सीक्वेंस मात्र हो लेकिन आपको भी पता है कि ऐसे सवालों से दर्द किसके पेट में उठता है, और यही कारण है कि इस क्लिप के वायरल होने के बाद शाहरुख की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं सवालों से भागने वालों और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वालों की नींद उड़ी हुई है। 19 सेकंड की क्लिप ने तहलका मचाया हुआ है और कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि ये क्लिप असली इंडिया वाले के मन का सवाल है जो मुद्दे गुमराह करने वालों के गले की हड्डी बना हुआ है, और यही कारण है कि जब कई ऐसे ट्विटर हैंडल जिनकी रीच काफी है उनसे ये वीडियो शेयर किया जाने लगा तो उनके ट्वीट डिलीट किए जाने लगे। कई लोगों ने डिलीटेड ट्वीट की जानकारी भी दी है। पठान पर जो बवाल खड़ा किया गया था उसके फेल होने से नफरतियों के हौसले पहले ही पस्त पड़े हुए थे, और अब सवाल ये है कि आखिर जवान के संदेश से वही नफरतगर्द प्रोपेगेंडा वाला वर्ग किस बेचैनी में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि जवान जिस बम्पर ओपनिंग के साथ खुली है और जिस रफ्तार में ये लोगों के बीच अपनी जगह बना रही है उसे देखते हुए ये अंदाजा हर कोई लगा सकता है कि ये मैसेज कितने लोगों तक पहुंचेगा, और जितनों तक पहुंचेगा वो कम से कम इस बारे में एक बार सोचेंगे तो जरूर। और यही कारण है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जवान से घबराई हुई है। तो शाहरुख जो इस साल दूसरी बार तहलका मचा रहे हैं उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर साझा कीजिए, और हमारे फ्यूजर्निज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।